उज्जैन जिले के बड़नगर सूर्यांश पैराडाइज कॉलोनी में लगातार लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। रहवासियों से मिलने के लिए कॉलोनाइजर भूपेंद्र चिप्पड़ और उनके साथी यहां पर पहुंचे और कॉलोनी वासियों से चर्चा की। इसमें कॉलोनी वासियों का साफ कहना था कि आपके द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं, जिस पर सफाई देते हुए कॉलोनाइजर भूपेंद्र चिप्पड़ ने कहा कि जल्द ही इन कार्यों को पूरा किया जाएगा। वहीं कहीं ना कहीं कॉलोनाइजर को ये डर भी सताया होगा कि उन पर 420 का मामला दर्ज ना हो जाए, और इसको लेकर उन्हें 10 साल बाद कॉलोनी वासियों की याद आई और अब देखना ये होगा कि फिलहाल कॉलोनाइजर कब तक कार्य पूरा कर पाते हैं। हमने जब कॉलोनी निर्माण करी सारे सब काम किए थे, ऐसा नहीं कि बिना उस काम के कोई कॉलोनी, आप भी समझते हैं अपन मकान बनाते सीढ़ियाँ होगी तो ही ऊपर पहुँचेंगे, मकान में ऐसे ही नहीं जाया जाता। तो हमने कॉलोनी में किए, आज हम मान रहे हैं कि उस कॉलोनी को थोड़ा टाइम हो गया तो कहीं वो अव्यवस्था में जीर्ण शीर्ण हो गए, तो हमने कॉलोनी वालों से बैठक करके उसमें निर्णय लिया कि उसमें एक कमेटी गठित करके वो हमें बता दें कि जो जो भी काम है उन काम को जो उचित काम हो उनको हमको निर्णय दे के उसमें जो भी होगा उस कमेटी जो हमें निर्देश देगी। हमको इसमें यही कहना है कि हमने बीच में भी छोटे मोटे काम किए पर वो आज है कॉलोनी कोई आते हैं जाते हैं उसमें जीर्ण शीर्ण होता रहता है, हम ये मानते हैं कि भाई थोड़ी दिख रही है तो उसको अब ना उसके बाद भी जो है अभी पूरे प्रयास करके जो कमेटी गठित की हो जो उसमें वो तो आपका जो कहना उस टाइम हमने सारे सुचारू रूप से यहाँ पर गार्डन की व्यवस्था नहीं है अभी तक और मंदिर बनाने का भी आपने वादा किया था वो भी पूर्ण नहीं हुआ है। मंदिर का हमने कुछ नहीं कहा था, उसके बावजूद भी यहाँ की कॉलोनी वासी अगर इसकी शुरुआत करते हैं शुभारम्भ करते हैं अच्छा काम है तो उसमें जो भी सहयोग बन पड़ेगा हम करेंगे और इसमें आगे हम भी यहाँ दर्शन करेंगे भगवान के, ठीक है सर। ये आपने कहा हम और कॉलोनी वालों से और आपसे भी यही निवेदन करेंगे कि इसमें जो भी और छोटा मोटा जो कमेटी द्वारा काम हो जाए उसको एंड ओवर करके। उज्जैन से विजय नीमा की रिपोर्ट।